मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 5 को आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसमें हमें संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है जिसमें उस राशि का प्रतिशत दे रखा है और उस प्रतिशत का वो भाग भी दे रखा है। ठीक है, यदि हमें संपूर्ण ज्ञात करनी हो और किसी भाग का प्रतिशत भी दे रखा हो और वो भाग भी दे रखा हो तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, पहले हम सूत्र को देख लेते हैं। हम लेते हैं माना संपूर्ण राशि, हम पहले संपूर्ण राशि मान लेते हैं x है मान लो वो, तो यहां से x का 5%, 5/100 किसके बराबर आ गया, 600 के बराबर आ गया। और यहां से x यदि हम निकालेंगे, यहां क्या हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, वो भाग में है वो गुणा में, ये उल्टा हो जाएगा, इधर आके 100/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से जब इसको काटेंगे ये 120 आ जाएगा और x बराबर जब इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। अर्थात हमारी जो संपूर्ण राशि है वो कितनी आई है, 12,000 आई है। ठीक है, अब ये था हमारा जो हम पारंपरिक सूत्र करते हैं इस प्रकार से, लेकिन छोटी ट्रिक से यदि हम इसको करेंगे, छोटी ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, देखिए किसी राशि का प्रतिशत दे रखा हो और उस प्रतिशत वाली वही भाग हमें दे रखा हो और संपूर्ण राशि ज्ञात करनी हो तो हम सीधा ले लेंगे संपूर्ण राशि बराबर है कितना, जो हमें दे रखा है 1080 गुणा ये 12% है, इसको उल्टा ले लेंगे 100/12, 12% का मतलब 12/100 और उल्टा 100/12 है। अब 12 एकम 12, 12 में 108 ये 90 हो गया और यहां से जब हम गुणा करेंगे 9000 हमारे पास सीधा आ गया। ठीक है, यहां पे भी यही हुआ था, ऊपर देखें जो राशि का भाग हमें दे रखा वो भाग और उसका प्रतिशत, प्रतिशत का उल्टा ही यहाँ पे आके हो गया था और संपूर्ण राशि हमारी यहां भी उसी प्रकार निकली थी, ये छोटे फॉर्म में। अब इसका सी भाग देखते हैं, इसका 40% 500 किलोमीटर है तो हम संपूर्ण राशि ज्ञात करेंगे, संपूर्ण राशि हमारे पास क्या आ जाएगी, 500 किलोमीटर है अभी और इसका 40, यही 40% है किसका, अब उल्टा ले लेंगे 40%, 40/100 होता है तो 100/40 हमारे पास आ जाएगा, 0 से 0 यहां से 25 और 25 125, और राशि किलोमीटर में है तो यहां भी किलोमीटर में आएगा 1250 किलोमीटर। ठीक है, इकाई यदि दे रखी है तो इकाई हमें साथ में लगानी है। इसका 70% 14 मिनट है तो यहां भी हम संपूर्ण राशि ज्ञात करेंगे। संपूर्ण राशि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 मिनट दे रखा है गुणा 70%, 70/100 का 100/70 हमारे पास हो जाएगा, 0 से 0 7 × 14 क्या आ गया, 20 मिनट हमारे पास, क्योंकि यहां पे भी इकाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, मिनट दे रखी है, तो हमें मिनट में ही उत्तर आएगा। इसका 8% 40 लीटर है। अब संपूर्ण राशि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 40 × 8% का उल्टा 100/8, यहां से 8 एकम 8, 8 × 40 यहां पे क्या आ गया, 500, और इकाई लीटर में है तो लीटर हमारे पास ये आ गया है। तो इस प्रकार से हमने ये पांचों प्रश्न एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किए हैं, आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।